बॉलीवुड में एक्ट्रेस के बीच कैट फाइट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब बात थप्पड़ तक जाकर पहुंच गई। भरे सेट पर करीना कपूर ने बिपाशा बसु को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इस घटना को देखकर हर कोई सन्न रह गया। हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त सेट पर अक्षय कुमार और बॉबी देओल भी मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये बात तब की है जब अजनबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बिपाशा इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी, जबकि करीना तब सीनियर एक्ट्रेस थी। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक करीना और बिपाशा के बीच एक ड्रेस को लेकर झगड़ा हुआ। बात बढ़ी और करीना हाथापाई पर उतर आई। उन्होंने बिपाशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इतने से भी पेट नहीं भरा तो करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया। इस घटना को लेकर बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि इस मामले को जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही तूल देकर राई का पहाड़ बना दिया गया। अगर करीना को डिजाइनर से प्रॉब्लम था तो उसने मुझे क्यों घसीटा। करीना की वो हरकत वाकई में बचकानी थी। अब मैं कभी उसके साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। इस पर जवाब देते हुए करीना ने कहा था कि बिपाशा को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। इस घटना को 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। फिलहाल करीना के इस व्यवहार पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।